मेरा नमन स्वीकार हो। आज वो दिन है दीदी, जिस दिन की हम लोगों के बीच से साहब इस माया रूपी संसार को छोड़कर चले गए, उस दिन जब याद होता है आंखें भर आता है, क्योंकि जिस समय हमारे साहब थे हम लोग बहुत ही गौरवशाली महसूस करते थे कि हमारे बीच जो कि शिव शिष्यता का उद्गम करने वाले, शुरुआत करने वाले गार्जियन रूपी शिव स्वरूप भैया थे, और पिछले वर्ष आज के ही दिन उनका अंतिम दर्शन के लिए लाखों की संख्या में भाई बहनों रांची की धरती पर उमड़ पड़े, और वहां का ऐसा दृश्य था दीदी, जो गए होंगे वो देखे होंगे कि लग रहा था ये संसार जिस तरह प्रलय हो जाता है उस तरह लग रहा था। कौन भैया दीदी की आंख में आंसू नहीं था, और आज साहब को इस धरती को छोड़े हुए 1 साल हो गया है, और आज उनकी पहली पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। उनको पुष्पों से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, सलाह सुमन अर्पित कर रहे हैं हम लोग, और उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं कि हे भैया, आप तो इस संसार को शरीर त्यागे हैं, लेकिन हम लोगों को अभी तक ये महसूस नहीं हुआ है कि आप चले गए हैं। और दीदी, उनका जो आदेश था, गुरु आदेशित कार्य चर्चा करना, यदि हम लोग उस पर खड़े उतरे रहेंगे, लोगों को जोड़ते रहेंगे, तो साहब का सपना कभी अधूरा नहीं होगा। उनका सपना था यह संसार एक दिन शिवमय हो जाए, और दीदी इस बात को याद रखिए कि युग कोई दृश्य नहीं है जो कि पर्दा उठा और युग परिवर्तन हो गया, पर्दा लगा वो युग खत्म हो गया, ऐसा नहीं दीदी, हम बदलेंगे युग बदल जाएगा। यही सपना था साहब का कि हम लोग अपना सोच बदले, विचार बदले, और जिन गुरु ने हम लोगों को जिस कार्य के लिए भेजा है उनके आदेश पर रहे, और इस मानव जीवन को धन्य बनाकर जीवन मरण से मुक्ति पाए और शिवलोक को प्राप्त करे। ये साहब का सपना था, और हम लोग जो शिव को अपना गुरु वरण किए हैं वो संकल्पित हो जाए। आज उनको देखिए, लग रहे हैं जैसे हम लोगों के बीच में हैं, और दीदी हम लोग उनको धोखा दे रहे हैं, सोच रहे हैं वो तो है नहीं, अब कहने वाला कौन है। लेकिन दीदी याद कीजिए, जो शरीर में रहते हैं उनसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं जो शरीर त्याग देते हैं, वो सबों से बड़े हो जाते हैं, इसलिए वो और शक्तिशाली हो गए हैं। पहले तो वो शरीर में थे, अब हम लोगों के हृदय में वास कर रहे हैं, और यदि उनके कहे हुए नहीं चलेंगे, उनको धोखा देंगे, तो बताइए हम लोगों को उनके मन पर हम लोग का विचार जो होगा कैसा लगेगा। आज इस पावन धरती पर उनका
प्रथम श्रद्धांजलि हो रहा है। और इसी तरह जब तक ये जीवन रहेगा, जब तक ये धरती रहेगी, भैया को याद किया जाएगा, दीदी को याद किया जाएगा, क्योंकि ये सौभाग्य युग युगांतर से मानवों को यह नहीं मिला था कि शिव को गुरु बनाने का अवसर। सतयुग त्रेता द्वापर तीन युग बीत गए और ये कलयुग चल रहा है दीदी, और इस कलयुग में हम लोगों को सौभाग्य मिला है कि जो दानियों में महादानी ओघरदानी महादेव, उनको अपना गुरु बनाने का। आप सुने होंगे कि अगर कहीं पर वेद उच्चारण होता है, कथा पूजा होता है, तो ब्राह्मण उस मंत्र में इस युग के बारे में क्या बोलते हैं, कहते हैं कली युगे प्रथम चरणे, यानी कलयुग अभी प्रथम चरण में ही है। इसका मतलब दीदी, घमंड में मत रहिए कि कलयुग कोई चरण निर्धारित किया हुआ है, ऐसा बात नहीं है कि कलयुग अभी बहुत दिन रहेगा, जो करना है करेंगे। नहीं दीदी, आपको इस बात को सुनकर अफसोस होना चाहिए कि कलयुग में इतना जो अपराध अन्याय हो रहा है, मानव को मानव नहीं पहचान रहा है, अपने घर परिवार को नहीं पहचान रहा है, माँ बाप को नहीं पहचान रहा है, ये प्रथम चरण में ही इतना हो रहा है। बताइए दीदी, अगर चरण बदल जाए, दूसरी चरण में चला जाए, तो कितना अपराध होगा। और ये सामर्थ्य किसी में रोकने का नहीं है, ये सामर्थ्य सिर्फ शिष्य परिवार में ही है, शिव शिष्य परिवार में ही है। और ये शक्ति को दिखाकर हम लोग दम लेंगे, एक दिन इस धरती को शिवमय की ओर चला देना है, भैया का सपना पूरा हो जाएगा। और ज्यादा क्या कहें, मरी 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 ए ऋषि लिया।